अस्सलाम वालेकुम, सामान शाही ब्लॉग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद करता हूँ। सामान शाही आप खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। भी जब सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मजे से कर रहे होंगे, लाइफ को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे, खुशबाश रह रहे होंगे। तो ये मेरी वीडियो खराब करने आ गया हुआ है ये हाथी नोशा, आपको पता ही है रात को इसने बड़ी मस्तियाँ की हैं। तो आज हम जाएंगे जी वजीराबाद, गुजरात से वजीराबाद का सफर होगा। ये एक और है, हेलो कर दो, ये हादिया है, ये हादी है। तो आज हम जाएंगे वजीराबाद। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। सारा वजीराबाद का रोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, गुजरात से वजीराबाद की सूरत हाल क्या है सारी आपको रोड डिस्क्रिप्शन करेंगे। हाँ, झूले पार्क भी जाएंगे जी आज। तो उसके बाद हम जो है वो वजीराबाद का सारा आपको डिटेल जो है वो आपको प्रोवाइड करूंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं रोड वजीराबाद, गुजरात से वजीराबाद कैसे जा सकते हैं। ये प्रिंस चौक है गुजरात का। अभी हम प्रिंस चौक से होते हुए जीटी रोड पे शिफ्ट होंगे, शिफ्ट जीटी रोड से आगे जो है ना, फिर हम वजीराबाद वाली साइड से होते हुए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा अभी ट्रैफिक नहीं है, सुबह का टाइम है इसलिए, शाम के टाइम बड़ी ट्रैफिक होती है इधर। और दूसरा ये है यहाँ पे जो है ना, ये इधर फूड स्ट्रीट भी है एक किस्म की ना, तो लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खाने भी आते हैं रात को। ये सामने जो है ना वो डक्की चौक है, शाहजहां स्पोर्ट्स काफ़ी मशहूर है। तो ये देखें, ये सामने जो है ना ये फुवारा चौक है, फुवारा चौक गुजरात, और साथ में शॉप सभी क्लोज ही हैं ज़्यादातर, क्योंकि सुबह का टाइम है, 9 बजे हुए हैं। यहाँ से हम जो है ना वो सामने जीटी रोड पे शिफ्ट होंगे, जीटी एस चौक से ही, तो उसके साथ ही फिर हम वजीराबाद वाली साइड पे निकल जाएंगे। ये सामने ये जीटी एस चौक है, और यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे सीधा जो है वो जीटी रोड है। ये अब जीटी रोड पे आ चुके हैं हम, और हम अब जीटी रोड से होते हुए सीधा निकलेंगे, बिल्कुल बाहर जाएंगे, ये चनाब को जो है वो चली जाती है सड़क। ये देखें पंखे लगे हुए हैं, लोग एक जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ मिलती हैं जिनमें पंखों की फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे आपको पंखों की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये कार वाश सिस्टम वगैरह है, और इसी के साथ इस साइड पर जो है ना लेफ्ट साइड पर जो है आपको अड्डा भी दिखेगा। अभी धूप है ना, सामने पहाड़ी है, तो इसलिए आपको क्लियर कट चीज़ें नज़र नहीं आ रही। ये देखें, ये मल्टी फॉर्म वालों की नहीं बनी थी। ओए होए होए, ये देखें इसका काम, ये वैगनों का अड्डा है जी, और ये साथ ही मॉडल टाउन नवाज शरीफ पार्क है, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। और ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो है वो अड्डा है वैगनों का, बसें और बसों का भी वैगनों का भी, ये बड़ा अड्डा है, इसे नया अड्डा कहते हैं। ये इन्होंने दीवार भी बनाई हुई है, दीवार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। सामने रहमतलाई चौक है, ये आप देखें रहमतलाई चौक, और ये जीटी रोड है, पुराना जीटी रोड इसको कहते हैं। ये रोड निकलेगा दरिया चनाब को।
यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को ये भी रोड जाता है जी। और अभी इधर से जनवा मेरे ख्याल में टूटा फूटा रोड शुरू होने वाले। तो ये देखें रोड अभी ये वाला जाना शुरू हो चुका है। तो जो भी हैं बरादरान या जो भी हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो काइंडली इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। ये जो रोड है ये थोड़ा सा डेवलप हो जाए ना गुजरात का तो बड़ा बेस्ट हो जाए काम, क्योंकि यहाँ पे मेन ट्रैफिक जा रही होती है। कोई भी बस अगर गुजरात से बाहर निकलती है तो वो इसी रोड से जाती है लाहौर की तरफ। तो ये रोड अगर बेस्ट हो जाता है तो समझें कि आधा सफ़र बड़ी जल्दी तय हो जाता है, क्योंकि ये रोड वो जंप्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बाइक चलाने में मसला पेश आता है और बस में भी रात में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दरख्त लग चुके हुए हैं। ये हैं जी नैयर माल, गुजरात के सबसे बड़े माल हैं ये। और अभी जो बनने जा रहा है ग्लोरियस माल वो भी काफ़ी बड़ा है। ये देखें लिखा हुआ है आई लव गुजरात वो सामने यहाँ। और ये ग्रीनरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है इसी रोड पे। अब देख सकते हैं खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, साथ में कुछ पौधे लगे हुए हैं। और इस लिहाज से गुजरात बाकी सिटी से थोड़ा अच्छा है। तो दोस्तों ये वाकई गुजरात है सामने दरवाज़ा है गुजरात का। यहाँ से गुजरात शहर जो है वो इख्ताम हो जाता है, आगे फिर जो है वो गुजरावाला का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये वाकई गुजरात है देख सकते हैं। और मतलब ये राजनाथ तक है वैसे तो, लेकिन यहाँ से जो है वो एंट्री एग्जिट की शहर के अंदर ये सेकंड कप वगैरह इधर बने हुए हैं। किस दिन हम इसका रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ जाना है। और ये सामने टूल प्लाजा है, गुजरात टूल प्लाजा, चेनाब टूल प्लाजा इसे कहते हैं। इसको क्रॉस करेंगे फिर आगे इधर चनाब आ जाएगा, इधर चनाब को क्रॉस करेंगे फिर वज़ीराबाद, वज़ीराबाद को क्रॉस करेंगे फिर आगे। तो ये जनाब क्रॉस करने के बाद सामने ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं, जिनमें जो सुपीरियर है शायद और यूएल, हाँ यूएल का तो मुझे पता है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का। और उसके साथ ही इस एरिया पे केएफसी भी मौजूद है और कुछ कॉलेज भी है पता नहीं। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो है वो कैंपस है और सामने दरे चनाब है, ये केएफसी है। तो नाजरीन ये अभी दरे चनाब हम पहुंच चुके हैं। ये सामने उस साइड पे पुल जो है वो उसका है ट्रेन का, इधर जो है वो जीटी रोड का पुल है,
ये जाने वाला पुल है, उस साइड पे आने वाला पुल है, वो सामने आप देख सकते हैं। दूसरा जो पुल है वो सामने आपको किनारा नज़र आ रहा होगा। दरिया चिनाब में पानी अभी कम ही है और ये कम ही रहता है मेरे ख्याल में, इतना ही रहता है। तो उस साइड पे जो है वो आने वाला पुल है, यहाँ से आप जा सकते हैं, वहाँ से आप आ सकते हैं वापस। सामने दरमियान में बिल्कुल जो है वो किनारा मौजूद है, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये दरिया चिनाब है, ये अकबर्स किनारा जो है वो सामने। विराट का सबसे बड़ा होटल है और यहाँ पे कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि विराट में रहना हो तो हाँ, यहाँ पे आपको रूम्स मिल जाएंगे किराए पे, रेंट पे, स्टे के लिए 1 डे 2 डे जितने भी आप स्टे करना चाहें। तो यहाँ पे आप जो है वो स्टे भी कर सकते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये का एक रूम आपको पड़ेगा मेरे ख्याल में, मैं कन्फर्म नहीं कह सकता, ज़्यादा भी महंगा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है इनकी सूरत हाल पे, इनकी लोकेशन पे। और वैसे भी ये है भी 4-स्टार होटल है, काफ़ी बड़ा होटल है, होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, प्ले एरिया भी है इनके पास। किस दिन हम इनका कंप्लीट टूर करेंगे। और ये साथ ही मैकडोनल्ड भी है और इसके साथ ही जो है वो सारी सबवे भी है, मैकडोनल्ड भी है, और मैकडोनल्ड का जो है वो ड्राइव थ्रू भी है, वैसे भी है, ये सबवे है। यहाँ से 2 रूट जाते हैं जी। अगर आपने सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ से 36 किलोमीटर है, यहाँ से आप इस साइड पर टर्न ले लें, ये जाती है वज़ीराबाद वाली साइड पे रोड, ठीक है, वज़ीराबाद के बीच से बीचों बीच होके जाती है गुजरांवाला। तो इधर से आप जाएंगे तो बाहर से होते हुए आप गुजरांवाला चले जाएंगे, लेकिन हम बाहर से जाएंगे, आते वक्त हम बीचों बीच से आ जाएंगे। ये बट कढ़ाई भी यहाँ पर मौजूद है, जो लाहौर की फेमस तरीन कढ़ाई है। और अभी हम सीधा जाएंगे, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ वज़ीराबाद। वज़ीराबाद सिटी तहसील है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये गुजरांवाला का एरिया है, ठीक है, और अभी हम जो है वज़ीराबाद क्रॉस कर रहे हैं। वज़ीराबाद क्रॉस करने के बाद वज़ीराबाद के बाद जो है वो आता है, आई डोंट नो, मुझे जो है वो थोड़ा भूल गया हुआ है, तो जैसे ही याद आता है मैं आपको बताता हूँ। वज़ीराबाद से गुजरा के दरमियान में क्या आता है, एक तो आती है गुजरांवाला की जो छावनी है, जो फौज की है, उसके साथ और भी आते हैं शायद गखड़ आता है दरमियान में। ये सामने जो है आप बोर्ड देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है गुजरांवाला, वज़ीराबाद और लाहौर। अगर आपने वज़ीराबाद जाना है तो इस साइड भी टर्न लेंगे, अगर आपने गुजरांवाला जाना है तो इस साइड भी, और लाहौर भी इस साइड भी आता है। तो राइट साइड पे लाहौर आएगा, लेफ्ट साइड पे वज़ीराबाद का सिटी आ जाएगा, मतलब एंट्रेंस आ जाएगी वज़ीराबाद की, मैं आपको वह भी दिखाऊंगा। और वो देखें, वो आजकल इनका सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो ये बड़ी कंबाइंस होती हैं, ये हार्वेस्टर्स टाइप होती हैं, क्योंकि आजकल चावल जो हैं वो पकने पे तैयार हैं, तो इसलिए ये देखें, ये सियालकोट एयरपोर्ट भी लिखा हुआ है। तो ये वज़ीराबाद का एरिया है, ये आप देख सकते हैं, बहुत सामने गेट है, और यहाँ पे जॉयलैंड और पेरिस सुपरमार्केट भी मौजूद है इस साइड पे भी। ये देखें,
ये इस साइड पे गेट है वजीराबाद का, लिखा हुआ है वेलकम टू सिटी ऑफ कटलरी, क्योंकि इसके साथ ही जो है वो शुरू हो जाता है सियालकोट का एरिया भी। और हमने जाना है सियाल गुजरांवाला, तो हम इस साइड पे टर्न लेंगे। ये इधर कुछ चीज़ें बनी हुई हैं इनकी। अभी ये इस साइड पे जो है वो गुजरांवाला का एरिया है। सीट बेल्ट बांध लें। और इस साइड पे बटकड़ाई टिक्का मौजूद है, ये भी वजीराबाद का एरिया ही शुमार किया जाता है, गुजरांवाला का एरिया है अभी। और मतलब हम गुजरांवाला में एंटर हो चुके हुए हैं, लेकिन ये है कि गुजरांवाला सिटी जो है वो यहाँ से तकरीबन तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है। 30 तो नहीं होगा, खैर 25 किलोमीटर तो दूर हो गई, ठीक है। और हमने अभी जाना है, पाकिस्तान भी बहुत डिवेलप हो चुका हुआ है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख सकते हैं ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, रोड्स बड़े अच्छे बने हुए हैं। और जो लोग आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, उनको मेरा ये पैगाम है कि पाकिस्तान जैसी नेमत आपको कहीं नहीं मिलेगी, और पाकिस्तान जैसा माहौल और पाकिस्तान जैसी आज़ादी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो उन सबको मेरी तरफ से भरपूर सलाम, पाकिस्तान की तरफ से सलाम, क्योंकि उनका भी ये है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए गए हुए हैं, तो ज़रा मुबादला कमा के देते हैं पाकिस्तान के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रहे हैं। ये हेलमेट देखें लगे हुए हैं, सेल हेलमेट की, इनसे हमने शीशा लेना है। कोई आगे हेलमेट वाली शॉप आती है तो उससे हमने शीशा लेना है, मेरे पास हेलमेट का शीशा नहीं है। हेलमेट है, टूट गया हुआ, ये नर्सरी बनी हुई है जी, इतना खूबसूरत डिज़ाइन पे मुश्तमल है ये। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके सामने लाते रहें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा आपका और हम सबका अल्लाह ने के बाद।